बिग बॉस के इस सीजन में कुछ कंटेस्टेंट्स ऐसे हैं जो कई कंट्रोवर्सीज में रह चुके हैं और कुछ ऐसे हैं जिन्हें काफी कम लोग जानते हैं और बिग बॉस फैंस इनकी रियल लाइफ को लेकर काफी कुछ जानना चाहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बिग बॉस 18 के कंटेस्टेंट्स के रियल लाइफ पार्टनर्स के बारे में बताने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप बिग बॉस फैन हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। नंबर 1, श्रुतिका अर्जुन। श्रुतिका ने जब से बिग बॉस 18 में एंट्री की है तब से लेकर उन्होंने अपने हस्बैंड अर्जुन की तारीफों के पुल बांधने शुरू कर दिए थे। इनके हस्बैंड एक बिजनेसमैन है और इनकी शादी 2012 में हुई थी और इन दोनों का एक बेटा भी है जिसका नाम है आरव। नंबर 2, करणवीर मेहरा। टीवी एक्टर करणवीर मेहरा प्यार के मामले में काफी अनलकी रहे हैं। पहले तो इनकी शादी हुई 2009 में अपनी चाइल्डहुड गर्लफ्रेंड देविका से, जिनको वो शादी से पहले 10 साल से डेट कर रहे थे, लेकिन शादी के कुछ सालों बाद दोनों ने एक दूसरे से अपने रास्ते अलग करने का फैसला ले लिया। 2018 में देविका से डिवोर्स के बाद करणवीर मेहरा ने 2021 में एक्ट्रेस निधि सेठी से शादी कर ली, लेकिन 2 सालों के अंदर ही करण का निधि से भी डिवोर्स हो गया और अब खबरें हैं कि करण इस समय शिल्पा शिंदे को डेट कर रहे हैं, लेकिन ये बात अभी ऑफिशियल नहीं है। नंबर 3, विवेन दसेना। विवेन दसेना पॉपुलर ड्रामा सीरियल प्यार की ये एक कहानी के सेट पर वाबिस दुराब जी से मिले थे और इस ड्रामा सीरियल के सेट पर दोनों को एक दूसरे से प्यार हुआ और दोनों ने शादी कर ली, लेकिन शादी के 3 साल बाद ही दोनों ने एक दूसरे से अपने रास्ते अलग कर लिए और 2022 में विवेन ने अपनी मुस्लिम गर्लफ्रेंड नौरान अली से शादी कर ली। नौरान इजिप्ट बेस्ड जर्नलिस्ट है और इनसे शादी करने के लिए विवेन ने मुस्लिम रिलीजन भी एक्सेप्ट कर लिया है और अब ये धर्म से मुस्लिम है। नंबर 4, सारा खान एंड आरफीन खान। दोस्ती से शादी तक का सफर इस कपल ने बखूबी तय किया है। सारा जहां खुद काफी हाइपर है वहीं आरफीन खान काफी काम है और आरफीन से शादी करने के लिए सारा ने पहले इस्लाम को कबूल किया और कुछ साल डेट करने के बाद दोनों ने शादी कर ली और अब इनके 2 ट्विंस बच्चे हैं। नंबर 5, अलाइस कौशिक। अलाइस की लव स्टोरी से तो हर कोई वाकिफ है। 2021 में अलाइस पांड्या ड्रामा सीरियल के सेट पर कंवर धिलौन से मिली थी, जहां पर इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हुआ और दोनों 3 साल से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और दोनों जल्द ही शादी करने वाले हैं। नंबर 6, हेमा शर्मा। हेमा ने 2009 में अपने बॉम्बे बेस्ड बॉयफ्रेंड से शादी की थी, जिनसे इनका एक 13 साल का बेटा भी है जिसका नाम है यश, लेकिन शादी के 11.5 साल बाद इनका डिवोर्स हो गया और डिवोर्स के बाद इनकी मुलाकात हुई NRI गौरव सक्सेना से और 2022 में इन्होंने शादी कर ली और इनका अब एक बेटा भी है जिसका नाम है एकांश, लेकिन अब हेमा ने अपने दूसरे हस्बैंड से भी डिवोर्स ले लिया है। नंबर 7, शिल्पा शिरोदकर। शिल्पा ने साल 2000 में UK बेस्ड बैंकर अपरेश रंजीत से शादी की थी और इन दोनों की एक बेटी भी है जिसका नाम है अनुष्का रंजीत और इनकी बेटी अभी 21 साल की है। नंबर 8, नायरा बनर्जी। नायरा ने अपने को एक्टर करण खन्ना को डेट करना शुरू ही किया था कि कुछ टाइम में इनका ब्रेकअप हो गया। इसके बाद 2023 में नायरा ने एक्टर निशांत मलखानी को डेट करना शुरू किया, लेकिन 1 साल की डेटिंग के बाद इनसे भी इनका ब्रेकअप हो गया। नंबर 9, गुणरतन सदावर्ते। इनकी वाइफ का नाम है जयश्री पटेल और ये भी एक लॉयर हैं और इन दोनों की 2 बेटियां हैं। इनकी फैमिली पिक्चर्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। नंबर 10, मुस्कान बामने। अनुपमा सीरियल में मुस्कान ने अपने को एक्टर अधिक मेहता को डेट करना शुरू किया और खबरों के अनुसार वो अभी तक अधिक के साथ रिलेशनशिप में हैं, लेकिन वो अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफी प्राइवेट हैं। नंबर 11, शहजादा धमी। शहजादा धमी अपनी को एक्ट्रेस प्रतीक्षा होनमुखे को काफी टाइम तक डेट कर चुके हैं, लेकिन अपने रीसेंट इंटरव्यू में अपनी डेटिंग की खबरों को उन्होंने फेक करार दिया, जिसके बाद ऑडियंस का यही मानना है कि दोनों ने सीक्रेटली ब्रेकअप कर लिया होगा। नंबर 12, अविनाश मिश्रा। अविनाश का अपने एक्टिंग कैरियर में कई एक्ट्रेसेस के साथ नाम जोड़ा गया है। सबसे पहले इनका नाम अपनी को एक्ट्रेस रस्किया वर्मा के साथ जोड़ा गया, लेकिन बाद में अविनाश ने इसे झूठ बताया और बाद में इनका नाम अपनी दूसरी को एक्ट्रेस कावेरी प्रियम से जोड़ा गया, लेकिन अविनाश ने इसे भी दोस्ती का नाम ही दिया। नंबर 13, ईशा सिंह।
ईशा के को एक्टर अदनान खान के साथ डेटिंग रूमर्स काफी जोरों शोर से चलते रहे, लेकिन ईशा ने बाद में इस बात को क्लियर कर दिया कि अदनान बस इनके अच्छे दोस्त हैं। इसके बाद ईशा के शालीन भानोट के साथ डेटिंग रूमर्स सुनने में आए, लेकिन इस पर भी ईशा का यही कहना था कि शालीन बस उनके अच्छे दोस्त हैं और को एक्टर हैं। नंबर 14 चुमदारंग। बधाई हो फेम एक्ट्रेस चुमदारंग काफी टाइम से बिग बॉस 4 के कंटेस्टेंट रिशांत गोस्वामी को डेट कर रही है और रिशांत बॉलीवुड एक्टर विद्युत जामवाल के कजिन हैं। नंबर 15 ताजिंदर सिंह बग्गा। पॉलिटिशियन ताजिंदर सिंह बग्गा फिलहाल सिंगल हैं और इनके रिलेशनशिप को भी लेकर कुछ ज्यादा खबरें नहीं हैं। नंबर 16 रजत दलाल। रजत ने बिग बॉस में खुद अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर खुलासा किया है और उसकी फोटो भी दिखाई है जो उनके ब्रेसलेट में लगी हुई है, लेकिन उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर कोई भी डिटेल ऑन स्क्रीन शेयर नहीं की। नंबर 17 चाहत पांडे। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक चाहत अपने को एक्टर जान खान को डेट कर चुकी हैं, लेकिन दोनों ने कभी भी इस बात को कंफर्म नहीं किया, लेकिन खबरें हैं कि दोनों अभी भी सीक्रेटली एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये थे बिग बॉस 18 के कंटेस्टेंट्स के रियल लाइफ पार्टनर्स। इनमें से किसका कपल आपको अच्छा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और साथ ही ये भी बताइएगा कि बिग बॉस 18 में कौन सा कंटेस्टेंट आपका फेवरेट है, और अपने फेवरेट कंटेस्टेंट के सपोर्ट के लिए वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।